चांद से मिट्टी लाने की तैयारी में आयसरो भेजेगा दस गुना भारी रोवर जाने चंद्रयान चार मिशन की डिटेल्स चंद्रयान तीन बेहद सफल रहा और अब इसरो अपने अगले प्रोजेक्ट चंद्रयान चार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाना है इस मिशन में लैंडिंग चंद्रयान थ्री के समान ही होगी अगले पांच से सात साल में चंद्रमा की सतह से नमूना लाने की इस चुनौती के पूरा होने की उम्मीद है जहां चंद्रयान तीन में 30 किलो का रोवर था वहीं चंद्रयान चार में 350 किलो का भारी भरकम रोवर उतारने की योजना है चंद्रयान तीन बेहद सफल रहा और अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसरो अपने अगले प्रोजेक्ट चंद्रयान चार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाना है यह भारत को अंतरिक्ष खोजों में अगली कतार के देशों में शामिल कर देगा पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के ठिवे स्थापना दिवस समारोह के दौरान अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर एसएसी के निदेशक नीलेश देसाई ने कहा कि चंद्रयान चार मिशन में चंद्रमा की सतह से मिट्टी का एक नमूना वापस लाने का लक्ष्य शामिल होगी उन्होंने कहा कि इस मिशन में लैंडिंग चंद्रयान तीन के समान ही होगी नीलेश देसाई ने कहा कि चंद्रयान चार का केंद्रीय मॉड्यूल चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले मॉड्यूल के साथ उतरने के बाद वापस आ जाएगा जो बाद में पृथ्वी के वायुमंडल के पास अलग हो जाएगा इसके साथ ही लगा पुनः प्रवेश मॉड्यूल चंद्रमा की चट्टान और मिट्टी के नमूने के साथ वापस आ जाएगा ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है उम्मीद है कि अगले पांच से सात साल में हम चंद्रमा की सतह से नमूना लाने की इस चुनौती को पूरा कर लेंगे यह मिशन चंद्रयान तीन की तुलना में अधिक जटिल होने की उम्मीद है जहां चंद्रयान तीन में 30 किलो का रोवर था वहीं चंद्रयान चार में 350 किलो का भारी भरकम रोवर उतारने की योजना है इससे इसरो की चुनौती बहुत बढ़ जाती है चंद्रयान चार मिशन का लक्ष्य जिस इलाके का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है रोवर की खोज का इलाका एक किमी बेन किमी होगा जो चंद्रयान तीन के 500 मीटर एक्स पांच सौ मीटर से काफी बड़ा है है। चंद्रयान-4 की सफलता चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता पर निर्भर करती है इस ऑपरेशन में दो लॉन्च रॉकेट शामिल होंगे जो मिशन के पैमाने और जटिलता को दिखाते हैं इसरो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा के साथ एक अन्य चंद्र मिशन लूपेक्स पर भी सहयोग कर रहा है यह चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाएगा इस मिशन में 350 किलोग्राम वजनी रोवर चंद्रमा की सतह पर 90 डिग्री तक के क्षेत्रों की खोज करेगा दोस्तों ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी धन्यवाद